नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक्सप्लोर मोड में। आज हम लोग इसमें बात करने वाले बिगेस्ट अपडेट एवर की, जो हमेशा से एक वॉक इन एन एप्लीकेशन में मैं चाहता था, फाइनली किसी वॉक इन एन एप्लीकेशन ने वो इम्प्लाई कर दिया है। कौन सी एप्लीकेशन है और क्या इम्प्लाई हुआ है सब आप लोगों को बताऊंगा, तो मेक श्योर वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। जो लोग इस चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सिंपली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। डेली अपडेट यहाँ वीडियो आती है, नई नई एप्लीकेशन में आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, लॉन्ग टर्म एप्लीकेशन से जोड़े रखता हूँ ताकि जिनमें कुछ अर्निंग हो पाए। अगर आप लोग नई नई एप्लीकेशन ट्राई करना चाहते हो, कुछ अर्निंग करना चाहते हो, इजिली इनकम जनरेट करना चाहते हो, सिंपली आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले जो लोग कंप्लेन भी करते थे माइक के बारे में, फाइनली फर्स्ट टाइम मैं माइक यूज कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी में कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। बेसिकली आज बात करने वाले हैं स्मार्ट स्टेप को एप्लीकेशन के बारे में, जो अपडेट हमेशा से मैं एक वॉक इन एप्लीकेशन ने चाहता था, इस एप्लीकेशन ने वो इंप्लाई करा है। हालांकि ये जब एप्लीकेशन मैंने स्टार्टिंग में यूज करना शुरू करी थी, मुझे नहीं लगता था कि एप्लीकेशन लॉन्ग रन में सर्वाइव करेगी, बट अब जेन्युइनली एप्लीकेशन बहुत अच्छी लग रही है और मुझे लगता है कि कम्पीट करेगी और लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकती है। एप्लीकेशन का बेसिक अपडेट आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट बताऊंगा। बेसिक अपडेट ये है कि एप्लीकेशन में आप लोग अब डेली रिवॉर्ड के जरिए और भी कॉइन जनरेट कर सकते हो। लेवल के बेसिस पे 4 लेवल यहाँ पे अवेलेबल है, लेवल के बेसिस पे आप लोग तो कॉइन जनरेट कर ही सकते हो, बट यहाँ पे डेली रिवॉर्ड के सेक्शन में यानी कि 4 एडवर्टाइजमेंट देखिए आप 4 एक्स्ट्रा कॉइन भी अर्न कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों की रेफर की लिमिट सेट हो गई है, यानी कि 50 रेफर से ज्यादा ऊपर रेफर नहीं कर सकते। हालांकि जो लोगों ने मेरे साथ ज्वाइन करा था उन लोगों ने माइट भी 50 से ऊपर कर लिया, मेरे को 200 रेफर हैं तो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने 50 से ऑलरेडी ऊपर कर दिए हैं तो आप लोग और रेफर नहीं कर सकते, बट जिन लोगों ने नहीं करें वो लोग सिंपली अब 50 तक ही रेफर कर सकते हैं। और भी एप्लीकेशन स्मूथ हो गई है और एप्लीकेशन का इंटरफेस भी थोड़ा इंप्रूव हो गया है। ये सब बेसिक अपडेट है। OnePlus 7 भी रिवॉर्ड सेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ है। ये तो हो गए बेसिक अपडेट। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जिसके लिए मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ वो ये है कि एप्लीकेशन में अगर आप लोग थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो मैनुअल स्टेप जनरेट करने के लिए, फेक स्टेप जनरेट करने के लिए, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉइन्स आपके बढ़ेंगे नहीं, स्टेप बढ़ेंगे नहीं, यहाँ पे वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो मुझे ये बहुत ही ज्यादा यूनिक और बहुत ही अच्छा लगा। हमेशा से मैं चाहता था कि एप्लीकेशन कुछ ऐसा इंट्रोड्यूस करे कि जिससे डिजर्विंग बंदे को डिजर्विंग चीज मिले, नॉन डिजर्विंग को ना मिले। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि विजिट एप्लीकेशन में चैलेंज क्रिएट हुआ था, उसमें टॉप 50 में जितने भी यूजर थे सब लोगों ने फेक स्टेप जनरेट करने के हिसाब से ही कन्वर्ट करे थे और हर एक ने लगभग 12:30 के आसपास ही सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते थे और जो मैक्सिमम गोल था 40,000 का वो कंप्लीट हो जाता। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में भी 12:30 बजे लोगों के 7-7 गोल कंप्लीट हो जाते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे लोग ये फेक स्टेप जनरेट करने वाली एप्लीकेशन यूज करते हो, तो ये हाई टाइम था। मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम में सारी एप्लीकेशन ये इंप्रूव करेंगी, बट सबसे पहले स्टेप उठाया है स्मार्ट स्टेप को एप्लीकेशन, और मुझे काफी अच्छा लगा ये फीचर जो इन्होंने इंट्रोड्यूस करा, और मुझे लगता है कि अब लॉन्ग रन में डेफिनेटली सर्वाइव करेगी एप्लीकेशन। तो आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा? बेसिकली अगर आप लोग कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करते हो मैनुअल स्टेप जनरेट करने के लिए या फेक स्टेप जनरेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके कॉइन्स बढ़ने के बजाय डिडक्ट हो जाएंगे। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा और एप्लीकेशन आप लोग अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो जेन्युइन बेसिस पे कर सकते हो और जेन्युइनली स्टेप जनरेट कर सकते हो। ये आपको भी मोटिवेट करेगी, आप लोगों के लिए भी अच्छा है और एप्लीकेशन के लिए भी अच्छा है। तो फिलहाल इस वीडियो में नहीं देखते एक्सप्लोर मोड। अगर आप लोगों को ये अपडेट अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो आप लोगों के क्या व्यूज हैं, और अगर आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी में इंप्रूवमेंट लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में नहीं देखते एक्सप्लोर मोड। धन्यवाद।